अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अबू मिले। अस्सलाम वालेकुम, अब मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ अच्छी है तो प्लीज़ ओके लिख के भेज दें। ठीक है। अच्छा, हमने अभी ना क्वाड्रेटिक्स ही करना है, और मैं आपको, जिन लोगों को क्वाड्रेटिक्स नहीं करना वो जा सकते हैं, उनके लिए क्लास नहीं है, हम क्वाड्रेटिक्स रिवाइज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। ओके, 2 मिनट। ठीक है, मैं प्रोडक्टिंग की बात हम सिर्फ हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव है तो स्माइलिंग फेस, नेगेटिव है तो सैड फेस। नहीं, फिर हमने आगे रूट्स की बात की थी, और हमने कहा था कि रूट्स फाइंड करने के 2 तरीके, दोनों आपको आते हैं। फैक्टराइज करके, बिल्ड एंड ब्रेक करके 2 वैल्यूज निकलेंगी एक्स की, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी एक्स की 2 वैल्यूज निकलेंगी। यह सब आपको आता है। ठीक है। मुझे ओके, एक नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो क्या है? सॉरी, उसे हमें डिफरेंट फॉर्म में लेके जाना है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म ज़रूरी क्यों, मैं क्लास के एंड तक समझाता हूँ आपको। पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी तक हमने जो फॉर्म देखी है क्वाड्रेटिक्स की, वो ये देखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, जो क्या है, ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक्स, और ये जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको समझ में आएगा। पहले तो आपको ये समझ में आए कि हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे। एंड वी कन्वर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म बाय यूजिंग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट जो है वो हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। ओके, तो हमें जो है वो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स करना है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट जो है वो इस तरीके से होगा कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कि हमें कन्वर्ट करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कन्वर्ट करना है 2x² + 3x - 5 को इस फॉर्म में, ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है? सब समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ओके, यहाँ तक तो ओके लिख के भेज दे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। जी, बाकी लोग क्या सीन है? ओके, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम रिवीजन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक्स का। ओके, सर एक बार दोबारा दिखा दें ऊपर जो लिखा था। देख ले। इससे पहले क्या लिखा था ये? सर जी, इससे पहले। ओके,
ओके तो अगर हमें आगे बढ़ना है मतलब कि बेसिकली हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे मैं बता देता हूँ. वील यूज अ मेथड विच इज कॉल्ड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट किस तरीके से होता है वो समझ लें. आप क्या करते हैं बेसिकली के इस पीस को पहले एक्सपेंड करते हैं. कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करें इस पूरी चीज से. एक्स माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के. ठीक हो गया. ए को मल्टीप्लाई करते पूरे से, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के. ठीक है. अब इसके बाद करना क्या है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से बेसिकली मुराद किया, जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसको समझ लें एक चीज को. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वन, इसको देख के आप बता सकते हैं के की वैल्यू क्या है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, जल्दी से. टू. बिल्कुल ठीक है. आप क्या करना, आप कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स को. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है वो टू के बराबर है, और अगर मैं कहूँ कि टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एच, के कितना है, सेवन माइनस सेवन, के माइनस सेवन, सही है ना, के माइनस सेवन. सिमिलरली माइनस एच किसके बराबर है, ए के बराबर है. यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस एच, यहाँ पे कांस्टेंट है ए, तो ये दोनों बराबर होंगे. कोई कोई कंफ्यूजन इस चीज में, ठीक हो गया. हम यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को किस तरीके से. अच्छा एक चीज़ और, कोएफिशिएंट होता क्या, आप बेसिक तो पता ही है आप लोगों को, तब भी मैं जरा सा इस पर और, क्योंकि मुझे दिखा है कन्फ्यूजन आएंगे इसमें. थ्री एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, थ्री एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, थ्री. ठीक है. और माइनस थ्री एक्स की पावर फोर का ऑप्शन क्या है, एक्स पावर फोर का ऑप्शन क्या है इस वक्त, माइनस थ्री. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अगर यहाँ पे लिखा होता के माइनस वन टाइम्स एक्स, तो एक्स का ऑप्शन क्या होता, ये टॉपिक होगा जी, माइनस वन नहीं, पूरा होता के माइनस, पूरा होता के माइनस वन. ठीक है, ठीक है, पूरा ऑप्शन लेंगे हम. अब यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को. किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ का एक्स स्क्वायर का ऑप्शन है टू, यहाँ का एक्स स्क्वायर का ऑप्शन है ए, तो हम बोलेंगे भाई कि जो ए है वो इक्वल है टू के. ठीक है. यहाँ पे एक्स का ऑप्शन क्या है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था. जी जी सर, आपने ये जो नीचे कंप्लीटिंग द कोएफिशिएंट्स के नीचे लिखा है ना, ए इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, तो सर ये टू एच एक्स और प्लस एच स्क्वायर कहाँ से आया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, हमने इसको ओपन कर दिया. हाँ बिल्कुल. ओके सर, बन गया. ठीक है जी, मुझे पता है एक्स का ऑप्शन यहाँ पे थ्री है, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एक्स का ऑप्शन क्या है, 2ah. टू एच नहीं, माइनस टू एच पूरा. ओके ओके यस. अब क्या करें, अब क्या करें, एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, एच को सब्जेक्ट बना देंगे. सही. और ए कहां से आएगा, ये पता है हमें ऑलरेडी, हम पहले इसमें ए इनपुट कर देंगे, ए कितना था टू हम फाइंड कर चुके हैं, तो थ्री वुड बी इक्वल टू माइनस फोर एच, थ्री अपॉन फोर हो जाएगा विद अ माइनस, एच की वैल्यू कितनी हो गई है, माइनस थ्री अपॉन फोर. ओके सही. यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है,
कॉन्स्टेंट कितना है माइनस फाइव, माइनस फाइव, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या के, के कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट, बिल्कुल ठीक दानियल, पूरा एक्स के बगैर जो जो टर्म है वो सब कॉन्स्टेंट है, ए एच स्क्वायर प्लस के कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है माइनस फाइव, एक्स के बगैर जो जो टर्म थी वो कॉन्स्टेंट थी, तो हमने पूरी लिख दी, ए और ए स्क्वायर की वैल्यू है ए टू है, एच स्क्वायर जो है माइनस थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के शुड बी इक्वल टू माइनस फाइव, ये होगा टू इंटू नाइन ओवर सिक्सटीन, प्लस के इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये टू वन टू एट हो जाएगा, तो के वुड बी इक्वल टू माइनस फाइव माइनस वन ओवर एट, तो के की वैल्यू आएगी माइनस फोर्टी वन ओवर एट। किसी को मसला इस चीज़ में कि ए एच और के की वैल्यू कैसे निकाली हमने, क्लियर है ये चीज़, कॉपी कर लें इसको, इसे कॉपी कर ले, और अगर समझ में आ गया तो दूसरा सवाल आपने खुद करना है, इसे कन्वर्ट करें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन को खुद कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, और मुझे ए एच और के की वैल्यू बताएं जल्दी से। पांच मिनट आपके पास जी, अगर जैसे हमारे पास इस इक्वेशन में लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट उसको कोफिशिएंट्स के साथ नीचे कॉपी कर सकते हैं, जैसे माइनस फाइव इक्वल्स टू ए एच स्क्वायर प्लस के, जैसे हाँ, हमारी इक्वेशन हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आपको तब समझ में आता है जब पांच छह क्वेश्चन कर चुके होते हैं, लेकिन तुम्हें अभी आगे अच्छी बात है, बेहतरीन है, कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बोलूंगा दो तीन क्वेश्चन कर लो ताकि पता होगा एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ओके, एक मिनट वेट करेगा, मैं इसको स्क्रीन वापस दिखा रहा हूँ। अच्छा, पाँच मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोगों को भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पाँच मिनट बाद हम वापस शुरू करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बताना है अपने पाँच मिनट के अंदर, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ।
अच्छा यार क्या सीन है, मुझे ए चल के की वैल्यूज बता दें, और अगर आपकी क्लास जो है वो 2 बजे कोई नहीं है तो हम 2 बजे तक इसको रोकेंगे नहीं, हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। मुझे बताएं कि क्या वैल्यू आई है ए एच और के की, ए कितना आया? सर ए ए आई है, थ्री ए थ्री है, एच बिल्कुल वन ठीक है। अपॉइंट टू माइनस वन एच वन अपॉइंट अपॉइंट टू टू, एच वन अपॉइंट टू आया, यस सर, लेकिन वन माइनस अपॉइंट थ्री आ रहा है, -1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है। ओके -4। -4.3। ओके हम दोबारा करें इसको, देख लें गलती कहाँ हुई है। मुझे नहीं पता किसका आंसर सही है, मगर नॉर्मली फ्रैक्शंस में आते हैं आंसर। खैर हम देखते हैं, 3x² - 2x - 1, पहला काम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, x² - 2hx + h² + k, ठीक है, ax² - 2hx + ah² + k, ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 3 है, तो ए की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 3, ठीक है। एक्स का ऑप्शन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे एक्स का ऑप्शन क्या है, -2ah, सर ठीक प्लस है, है, ऊपर आपने प्लस लिखा हुआ है। प्लस लिखा हुआ है, हाँ ये +2 है, थैंक यू थैंक यू, ये भी प्लस है, ठीक है, यहाँ तो -2ah है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 should be equal to -2, a कितना है 3 एच, तो 2 would be equal to -6h, ठीक है, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू माइनस अपॉन वन माइनस थ्री सिक्स ठीक है, -1/3, बिल्कुल ठीक है। और के कैसे आएगा, कि यहाँ पे -1 है कांस्टेंट, यहाँ पे पूरा है ah² + k, -1 should be equal to ah² + k, तो -1 should be equal to ah² क्या हो जाएगा, थ्री थ्री इंटू माइनस माइनस वन वन अपॉन अपॉन थ्री का स्क्वायर स्क्वायर प्लस के, बिल्कुल ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 3 into 1/9 के, तो ये हो जाएगा -1 1/3 हो जाएगा, 3/9 सर। -1 -1/3 इज इक्वल टू के, तो के की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, -4/3, -4 बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। किसी को मसला इन 3 वैल्यू से बता दे कि एज इतना कैसे आया, कि इतना कैसे आया, ये कितना आया, बाकी लोग कर रहे हैं होपफुली, ये कर चुके हैं, क्या आंसर से बता दे जी। ये आंसर है वली, मनीब, वजिया, लाइबा, चांदनी, अब्दुल्ला, बिलाल, जी यही ओके आंसर है। ठीक है, कंप्लेन द ऑप्शन में अब किसी को मसला नहीं होना चाहिए, सही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, कि अब हमें समझ में आया कि ये जो कंपेयर, मतलब हमने जिस फॉर्म में कन्वर्ट किया इसका फ़ायदा क्या है, ये कन्वर्ट करने के बाद हम पहुँचते कहाँ हैं, हम पहुँचते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x - 5, हमने इसे कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 थी, 2 into x - h² एज कितना था, -3/4, तो अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि देख लें, क्योंकि हमारी जो फॉर्म है वो है a(x - h²+k), इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस ये माइनस करता है क्या है, कि बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, वापस मैं लॉजिक में नहीं जा रहा, आपको याद रखना है कि यार यहाँ पे जो एज की वैल्यू है ना, अगर ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिख दें, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दें, अगर ये एज पॉजिटिव होता तो आप नेगेटिव लिखेंगे, अभी नेगेटिव होता आप पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब एज की वैल्यू -3/4 है, -3/4, तो आप क्या लिखेंगे, +3/4, और उसका रीजन बेसिकली बस यही है कि हमारे कॉनोटेशन में माइनस यूज हुआ है, आपने बस साइन चेंज कर देना। और के कितना आया था हमारा, के यहाँ पे आया था -41/8, तो सर अगर एच -41/8 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सही पॉजिटिव होती तो हम नेगेटिव है लिखते हैं, जब, हमेशा साइन चेंज करेंगे जी सर ये जो 41/8 है ये आपका थोड़ा गलत है, आप उसमें देखेंगे कैलकुलेशन क्या आंसर, शायद। फोर्टी नाइन अपॉन एट आ रहा था सर,
49 अपॉन 8 था, कैसे था? हमने ए स्क्वायर प्लस के किया था, 9 ओवर 16 किया था, 1 ओवर 8 था, सर 9 अपॉन 8 आता ना, 2 9 से 18 अपॉन 16 है तो वो 9 अपॉन 8 हो जाता है। अच्छा ये 9 था, इसको हमने इसको 1 ओवर 8 लिख दिया था हमने यहां पे। ठीक है ठीक है, सही कह रही है, ये 9 था, ये 9 था तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है 49 ओवर 8, तो इसको भी यहां 49 कर दें। बिल्कुल ठीक है, हमने इस 9 को यहाँ पे 1 लिख दिया था। ओके okay? ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखना आ गया आपको। जी जी सर, ये जो साइन है वो भी चेंज करेंगे क्या? नहीं वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ एच की साइन चेंज होगी। ओके सर। ओके मूविंग ऑन, ये एच और के जो निकला ये है क्या, जैसे कि दूसरा वाला भी देख लें, तो दूसरा हमारा जो सवाल था वो था 3x² प्लस 2x-1, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने बोला भाई कि इसका ए जो है वो 3 है, बी माइनस वन ओवर ए जो है वो माइनस वन ओवर 3 है, तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस होता तो माइनस कर देते, और के जो आया था वो कितना था, माइनस 4/3, के का साइन हम चेंज नहीं करते। अच्छा ये बेसिकली जो हमें वैल्यू मिल रही है इसमें, इस फॉर्म में ख़ास बात क्या है, सिर्फ एक ख़ास बात है कि आपको ये फॉर्म टर्निंग पॉइंट दे देती है। और टर्निंग पॉइंट होता क्या है, आपको अगर याद हो तो हमने जब बात की थी कि आपका जो स्केच है वो स्माइलिंग या सैड होगा, तो जितने भी ग्राफ हैं जो कि स्माइलिंग या सैड है उनमें टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट होता है। ये ग्राफ अगर आप देखें, आपको अगर मैं वापस बनाऊं तो ग्राफ होता किस तरीके से, कि ये वैल्यू नीचे जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, फिर एक पॉइंट पर ट्रेंड किया इसने और फिर वापस ऊपर आ रही है। ये जो ट्रेंडिंग पॉइंट है यहाँ पे आप देखें, ये वैल्यू ऊपर जाई जा रही है, ऊपर एक पॉइंट पर ट्रेंड किया और फिर नीचे आना शुरू हो गई है। जिस पॉइंट पर ट्रेंड हुई है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका यही है कि आप ट्रेंडिंग, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और फिर जो आपकी एच और के की वैल्यू आई है, एज कॉमा के, एज जो है एक्स कोऑर्डिनेट है टर्निंग पॉइंट का, और के जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है टर्निंग पॉइंट का। एज कॉमा के ऐसे है, ये एच है और ये के है। एज कॉमा के आपको डायरेक्ट बता देता है टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। मतलब के जैसा कि अभी हमने एच और के की वैल्यू निकाली, दो डिफरेंट वैल्यूज, तो इसको देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या होगा। वो होगा 3/4 कॉमा सॉरी -3/4, -49/8। माइनस क्यों कर रहे हैं, एच की असली वैल्यू तो नेगेटिव ही थी। अगर आपको इस फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन, इस फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, एच की वैल्यू कितनी होगी, अब साइन चेंज करके लिखना है वापस, -3/4। बिल्कुल, और के की वैल्यू कितनी होगी, -49/8। और इसको अगर आप प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। -3/4 कहीं यहाँ पे होगा, और -49/8 कहीं नीचे होगा, तो इनके जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे ये टर्निंग पॉइंट होगा। और अच्छा स्माइलिंग फेस होगा, सैड फेस होगा, सर स्माइलिंग फेस होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ का ऐसा बनेगा कुछ। बात समझ में आ रही है? तो सही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कौन से पॉइंट्स पे, -3/4 -49/8। नहीं, ये तो ट्रेंडिंग पॉइंट है ना, ये ट्रेंडिंग पॉइंट ऐसे आ रहा है, ये इसका पॉइंट ट्रेंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है, x -3/4 है और y -49/8 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ट्रेंडिंग पॉइंट के। जी सर, अगर हमें जो है वो होगा ऐसे कि पेपर में हमें इक्वेशन दे दीजिए टर्निंग पॉइंट की और फिर ग्राफ प्लॉट करवाया जाए। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हम ऐसे जैसे आपने बनाया है उसको। हाँ, रफ स्केच बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन दी हुई होगी, अब बाकी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे नहीं,
देखिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करना है, सही है, तो पहले तो हमने आसानी से शुरू किया, हमने कहा यार हमें एटलीस्ट इतना तो पता होगा शेप कैसा बनेगा, तो हमने शेप से शुरू किया था, ये था ना शेप, तो हमें नहीं पता, जैसे कि हमने बोला एग्जाम्पल के साथ किया था कि यार अगर हम इसको प्लॉट कर रहे थे इसको, तो हमने कहा हमें पता है कि शेप कैसा बनेगा, एग्जैक्टली ग्राफ कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हमें नहीं पता, शेप पता था, ठीक है, सिमिलरली शेप पता था, अगर नेगेटिव है तो हमें शेप पता है क्या होगा, ग्राफ एग्जैक्टली कहाँ होगा वो हमें नहीं पता था। अब हमें एक चीज और ऐड कर दिया, हमें ग्राफ का टर्निंग पॉइंट भी पता है, टर्निंग पॉइंट पता है और शेप पता है, तो हम एक रफ स्केच अभी और बेहतर रफ स्केच बना सकते हैं, हमें ये पता है ग्राफ यूं नहीं हो सकता, ग्राफ होगा तो यहीं पे, अब वो एग्जैक्टली यूं जाएगा या ग्राफ थोड़ा सा और इस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें एटलीस्ट ये पता है कि टर्निंग पॉइंट क्या और शेप क्या, ठीक है, हम और एक्यूरेट कैसे करेंगे ग्राफ को, मैं वहां तक आ रहा हूँ, लेकिन हमें अभी दो चीजें पता है ग्राफ के बारे में, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट, व्हाट इज द शेप, यहां तक कोई मसला? नो सर। ओके, इसी को अगर मैं बोलूँ कि इसको हमें जरा स्केच करना है, ये वाली चीज को, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, एज की वैल्यू कितनी है? -1/3। बेहतरीन, -1/3, और के की वैल्यू -4/3, ठीक है ना, तो इसको सिर्फ देख के आपको टर्निंग पॉइंट दिख जाएगा, और आप स्केच एक रफ स्केच बना सकते हैं कि आप बोले यार -1/3 और -4/3 वुड बी माई टर्निंग पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो जहाँ तक टर्न होगा ग्राफ, और ग्राफ स्माइलिंग फेस होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है, स्माइलिंग फेस होगा, तो इस तरीके से होगा, तो हमें रफ स्केच पता है ग्राफ का। ओके, अच्छा, अब स्केचिंग को ना मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, स्केचिंग में और क्या चाहिए होगा, ये मैं ये लिख लें इसको जरा, टू स्केच एनी ग्राफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्केच करने के लिए वी नीड फोर थिंग्स, कह लें नंबर वन एक होता है नेचर, नेचर बेसिकली क्या है कि ये ग्राफ जो है वो मतलब मैथमेटिक्स जबान में इसको नेचर कहते हैं, और नेचर क्या है, या तो मैक्सिमम ग्राफ होगा या मिनिमम ग्राफ होगा, और हम अपनी जबान में मैक्सिमम ग्राफ को कहते हैं सेट फेस, और मिनिमम ग्राफ को कहते हैं स्माइलिंग फेस, क्योंकि इसमें देखिए आप एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसमें एक मिनिमम वैल्यू आती है, तो एक तो नेचर बताओ, और नेचर हमें कैसे पता चलता है, नेचर हमें पता चलता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ए, ए को देख के हम बताते हैं कि नेचर क्या है, और उसको और डायरेक्ट कर दें, तो ये मिनिमम तब हो, मैक्सिमम ग्राफ तब बनेगा जब ए नेगेटिव हो, ए नेगेटिव तो सेट फेस है और ए पॉजिटिव है तो स्माइलिंग फेस है, तो पहली चीज आपको देखनी नेचर कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, मतलब स्माइलिंग है या सैड है, और वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे, तो वो तो हो गया, ये तो हम सबको आता है अल्हम्दुलिल्लाह, पहली चीज आपको नेचर देखनी है, नंबर टू आपको क्या क्या पता होना चाहिए फॉर ड्राइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी आपको समझ में आ गया, वो है द टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, टर्निंग पॉइंट को मैथ की जबान में स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी लिखो, टर्निंग पॉइंट लिखो, एक ही बात है, ठीक है, और वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एज कॉमा के विल बी द टर्निंग पॉइंट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ओके, अब हमें अपने ग्राफ को और एक्यूरेट करना है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें और चाहिए, जो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि हूँ तो और बेहतर हो सकता है, तो वैसे तो एक ही चीज चाहिए जो कि आपका होता है द एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि द वैल्यूज एट विच द ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस को आप कहाँ पे कट करेंगे, और एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, अगर आप और सोचें, इसको हम इसका नाम हम मैथ्स में क्या लेते हैं, इसका नाम है रूट्स, वी वुड नीड द रूट्स ऑफ द ग्राफ, रूट्स वही है ना जहाँ एक्स की वैल्यू पे कट करते हैं आप, अगर आपको रूट्स पता है तो और आसानी हो जाएगी, मतलब कि अगर आपको पता होता कि इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स अगर 1 और -4 होते तो बड़ा एक्यूरेट ग्राफ है ये, लेकिन इसके रूट अगर 1 और 2 होते, नहीं माइनस में तो होना ज़रूरी है, लेकिन -4 और -2 होते तो ग्राफ यूँ जाता ऊपर, वहाँ तक नहीं जाता, बात समझ में आ रही है, तो आपको रूट्स पता होना इंपॉर्टेंट है, रूट्स पता होंगे तो ग्राफ और एक्यूरेट हो जाएगा, आपको पता है एक्स एक्सिस में कहाँ से गुजारना है, और अगर आप चाहें तो, वरना ये तीन चीज़ें काफ़ी हैं, वैसे वरना तीन चीज़ें काफ़ी हैं,
अगर आप चाहें तो एक वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लें। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट वो वैल्यू है जहां पे एक्स इक्वल टू जीरो है। तो वाई इंटरसेप्ट की ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट ये पॉइंट है क्योंकि हमने बना दिया। अगर वाई इंटरसेप्ट ऊपर होता तो ग्राफ थोड़ा यूं जाता। बात समझ में आ रही है? तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब आप एक्स को जीरो कर देंगे, एक्स को जीरो रखेंगे तो आपको मिल जाएगा वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। तो आपका ग्राफ काफी हद तक एक्यूरेट हो जाएगा। और स्केचिंग इसी को कहते हैं कि चार चीजें चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। यू कैन ड्रॉ एनी ग्राफ अगर आपके पास ये चार चीजें हैं, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई मसला यहां तक? जी उसके बाद आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। सही, वाई इंटरसेप्ट कितना मालूम करेंगे? आप बताएं, अगर मैं बोलूं आपको कि यार मुझे इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट बताएं, कैसे निकालेंगे? सर एक्स की वैल्यू पुट करके। हाँ, एक्स को जीरो कर दें। मैंने लिखा ना यहाँ पे, मैंने कहाँ पे लिखा है? आ गया, वाई इंटरसेप्ट को हमने कहा ना एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स को जीरो रखें, वाई की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली जो भी ग्राफ होता है वो ये होता है कि जैसे ये ग्राफ था, ये इक्वल टू वाई होता है ना, जो भी ग्राफ होता है वो इक्वल टू वाई होता है, वाई इक्वल टू दिस। तो इसमें जब एक्स को जीरो करेंगे आप तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस फाइव। बात समझ में आ रही? तो ये माइनस फाइव से क्रॉस होना चाहिए था। वाई माइनस फाइव, देखो हमने कितना अच्छा बनाया, माइनस फाइव भी था, हमें नहीं पता एक्जैक्टली, बट समझ में आ रही बात? मेंशन करना होता है सिर्फ, वाई इंटरसेप्ट आपने मेंशन कर दी थी माइनस फाइव तो दिख जाता है सही। आपको पता है यहाँ से क्रॉस कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कहाँ से क्रॉस हो रहा है, ये समझ में आ जाए, शेप समझ में आ जाए और टर्निंग पॉइंट। तो बस बहुत है ग्राफ के लिए, स्केचिंग के लिए। जी एक्सिस हम क्वाड्रेटिक से निकालेंगे ना इक्वेशन में। एक्स एक्सिस के लिए रूट्स, रूट्स चाहिए। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो आप रूट्स चाहिए, और रूट्स की हम पूरी बहस कर चुके हैं। रूट्स वही है जहाँ वाई इक्वल टू जीरो होता है, वो आप या तो मिड टर्म ब्रेक से करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, दो वैल्यूज आएंगी एक्स की। ओके सर, कॉपी कर लें इसको। अच्छा, अगर बात समझ में आ गई तो एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ स्केचिंग पे, कंप्लीट क्वेश्चन। स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये इसके इसको स्केच करें और पहले आप खुद कर लें और फिर मुझे बताएगा आपने कैसे स्केच किया। ये करना 5 मिनट में हो जाएगा, हो जाएगा? ओके
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सीन है, हो रही है स्केचिंग? सर, इसका टर्निंग पॉइंट किस तरह निकलेगा? आपने तुम कोई बताओ अभी इक्वेशन तो हमने नहीं दी। अच्छा, हैं वो अभी तो पहले सीखा यूज कर हमने। लिया, पहली बार ही हाँ यूज क्या वो करी किसी से हुआ जी? एक ही क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर सर, फॉर्मूला हो रहा है कन्वर्ट बस, करेंगे। उसके सेकंड स्टेप पे पहुंचे हैं अभी। सर, ठीक मेरा है एक्स और वाई निकल गया, लेकिन वो मुझे से टर्निंग पॉइंट का पूछता था। ठीक है, रूट्स निकाल दिए आपने, रूट्स निकाल दिए हैं, एच कॉमा की वैल्यू क्या है। मुझे पता है बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, 5 मार्क्स तो होंगे इसके अगर ये दे। वैसे ये ना 5 से भी ज्यादा का हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर सवाल होता है ना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें, 2-3 मार्क्स उसके होते, टर्निंग पॉइंट का 1 आधा मार्क्स मिल जाता, फिर रूट्स के 2-3 मार्क्स और होते, 10 मार्क्स कर लेते इसको, पूरा पूरा सवाल है। मतलब अब तक के जो हमने सीखा है वो सब सिमट जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें आप रूट्स भी फाइंड करेंगे, आप टर्निंग पॉइंट भी फाइंड करेंगे, आप स्केच भी बनाएंगे पूरा, और वाई इंटरसेप्ट भी करेंगे, तो अच्छा हो गया। सर, एक सवाल था छोटा बड़ा सवाल पूछोगे? पेपर सा सर, ये पेपर 1 में आता है पेपर 2 में? अच्छा 1 चल रहा है यार, पेपर 2 जो है वो S1 है, वो शुरू नहीं हुआ अभी तक। S1 स्टैटिस्टिक्स है। तो सर, मतलब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने लगे तो बड़ा दिमाग चाहिए इसके लिए। नहीं, तो भाई ओ लेवल में नहीं हो तुम, पेपर यार, पेपर कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है भाई, कैलकुलेटर अलाउड है, दोनों पेपर में अलाउड है, पेपर 1 में भी, P1 में भी, S1 में भी। ओके सर, ओके, लेकिन ये होता है कि अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं ना, मतलब आपने ये किया कि फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2x - 1, ये ना जी, तो यार ये तो उससे भी हो जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक से भी हो जाएगा। इक्वल टू 0 करें इसको, मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगी इसकी, 3x - x, ठीक है ना, 3x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3x² ही होगा ना इनका प्रोडक्ट, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। सही है ना, तो 3x कॉमन लें यहाँ पर, x+1, या -1 कॉमन लें, x+1 इक्वल टू 0। जी, किसी ने प्लॉट किया सर मेरे हो इसको? गया, प्लॉटिंग हो गई है, पूरा प्लॉट हो गया। ठीक यस सर। है, तो एक तो हमें रूट्स मिल गए, ठीक है, टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लिया आपने। एक मिनट रुको यार, बाकी जो लोग हैं जरा वो भी तो कोई हेल्प करें हमारी। जी कौन है हमारे पास? जी अरीबा, टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है? बिलाल, अब्दुल्ला तारिक, टर्निंग पॉइंट बता दें मुझे। लाइबा, मरियम, सर, टर्निंग जी पॉइंट की जो वैल्यू है वो एक है, के की वैल्यू है -4/3 और एच की वैल्यू -1/3। आप कह रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट में एज की वैल्यू है -4/3, अपॉन थ्री ओके, हाँ, और के की वैल्यू के की वैल्यू -4/3 और एच की -1/3। तो अभी हमने पिछला तो निकलवाया था ये अच्छा, इसी का निकलवाया था? जी, वन अच्छा, फिर तो सही है ना पॉइंट थ्री होगा यार, ना। हमने इसी को सॉल्व किया था पहले भी, मुझे गलती में सेम लिख दी होगी क्वेश्चन, हाँ हमने इसी को किया था बिल्कुल। तो एच की वैल्यू क्या आ रही थी, -1/3, और के की आ रही है -4/3। ठीक है, ये तुक्के में हुआ, मैंने गलती में वापस सेम चीज लिख दी, मैं चाह रहा था आप लोग दोबारा करें, लेकिन किया लोगों ने दोबारा मेरे ख्याल से। हाँ यस सर। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है हमने कैसे किया, मैं बस उसके लिए बता दूं, हमने इसको वापस कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, a·x − h² + k, और फिर हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके एच और के की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वो एच और के यहाँ आ रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव द टर्निंग पॉइंट, वी हैव द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? वाई इंटरसेप्ट सर इक्वेशन में तो इक्वेशन माइनस में वन, एक्स की वैल्यू 0 करके। बिल्कुल ठीक है, 3x² + 2x - 1, तो आप x को 0 कर दें, तो y सर इंटरसेप्ट आ y जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस माइनस वन सर, वन ठीक है। तो और हमें वैसे क्या तो डायरेक्ट चाहिए, भी तो निकाल सकते हैं सर, डायरेक्ट डायरेक्ट भी कैसे तो निकाल निकालेंगे, सकते हैं सर, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे, उसको कैसे? देख के तो 0 नहीं तो नहीं उस ये सबको नहीं बदल नहीं दिया। प्लीज ऐसा नहीं, नहीं नहीं प्लीज ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो लाइन के लिए चलता है, वो आप जो कह रही है ना कांस्टेंट वैल्यू है, वो लाइन के लिए अग्री करती है, ठीक है ना? ओके सर,
सर एक छोटा सा मसला हो गया क्या हुआ? सर, इसके ये जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो वाई इंटरसेप्ट आया वो -1 आया है। तो मसला क्या है और इसमें? सर इसमें मसला ये है कि ये ग्राफ मैक्सिमम है, तो ये आप किसने बना कहा के बता मैक्सिमम है? सकते हैं किसने सर कहा इसका, मैक्सिमम तो ये पॉजिटिव है ना इसका। है? तो मिनिमम है ना, पॉजिटिव है मिनिमम। ये पॉजिटिव पे तो हमने मिनिमम कहा था ना, ये बनेगा। आप मैक्सिमम कहा, पॉजिटिव होते स्माइल करते ना, आप नेगेटिव लोग सैड होते। ठीक है, ओके सर सॉरी समझ गया। तो वाई की वैल्यू -1 आ गई। अब क्या करें कि प्लॉट करते हैं इसको? अच्छा, हमारे जो वो है रूट्स, वो है 1/3 और -1। ठीक है, तो 1/3 पे हमें कट करना है और हमें -1 पे कट करना है ग्राफ को। रूट्स हमें पता है और वाई इक्वल टू -1 पे कट होगा, ये भी हमें पता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्या है हमारा? टर्निंग पॉइंट है -1/3, -4/3। जिन लोगों को ज़रा मसला हो ना फ्रैक्शन में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको उसमें कर लें, लाइक एच कॉमा के की जो वैल्यू है आप उसको डेसिमल में लिख लें। -1/3 इज -0.33, बिल्कुल, 0.33 और और -4/3 इज -1.33, बिल्कुल। ठीक है, ये बीच में जो आवाज़ें आती हैं उससे अच्छा लगता है कि कोई कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ठीक है, -4/3, तो ये जो है यहाँ आएगा, -0.33 और -4/3 का इंटरसेक्शन आपका पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट मिल गया आपको, तो अब आप टर्निंग पॉइंट से ले जाएं ग्राफ को, -1 पे कट करवाएं और ऊपर ले जाएं, इस पे कट करवाएं और यहाँ ही से यूँ कट करवाएं। ग्राफ को जिस तरीके से बनेगा आपका ऐसा ग्राफ, जो कि इन दोनों पे कट करेगा, इस पे कट करेगा, ये टर्निंग पॉइंट होगा और स्माइलिंग शेप होगा। तो ये मैंने थोड़ा गंदा सा बनाया, लेकिन आप समझ गए कि ग्राफ जो है वो, वैसे सिमेट्रिकल ग्राफ होता है ये, सिमेट्रिकल समझ लो, जैसा यहाँ जा रहा है ना वैसे ही वहाँ जाना चाहिए। ये सिमेट्रिकल हमारा इसलिए नहीं हो रहा कि हमने 1/3 थोड़ा दूर बना दिया, सिमेट्रिकल हिसाब से 1/3 थोड़ा सा करीब होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाया होता जैसे मैंने बनाया, तो वो पूरे मार्क्स दे देते आपको, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट देखेंगे आपके। 1/3 थोड़ा करीब होगा, करीब होगा तो आप देखें थोड़ा सिमेट्रिकल हो जाएगा। और तो फिर ये जो मतलब है इंस्टेंस बी शेप जी, अगर डिफरेंस सिमेट्रिकल, सेम होगा। असिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि ट्रेंडिंग पॉइंट के राइट पे जो हो रहा है ना, जिस तरीके से ग्राफ जा रहा है उसी तरीके से ट्रेंडिंग पॉइंट के लेफ्ट पे जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये दोनों बिल्कुल रिफ्लेक्शन है एक दूसरे की। ओके सर, ओके, ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, स्केचिंग समझ में आ गई है हमें। ओके, और यहाँ तक ओके हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक्स में एक क्लास और चाहिए। ओके, एक क्लास और कहाँ प्लेयर को सोचना था मुझे, अभी कर सकते हैं क्लास अभी? सर मेरी एक और क्लास है ओके, केमिस्ट्री की। चलो ठीक है, बताता हूँ फिर। ठीक है, ओके, क्लास है, मैं एंड कर रहे, कोई और मसले हो तो मुझे बता देगा पहले, मैं आपको क्लास का टाइम बताता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज़।